हाय हेलो दोस्तों, मैं आप फ्रेंड एम एल परमार और स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिक बाय परमार सर। तो दोस्तों, आज हम सीखने वाले एस एस सी रीजनिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो दोस्तों, आज हमारे पास सवाल है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन है और गुना वाले। कोई धन कितने वर्ष में 4 गुना होता है, 8 गुना होता है, 10 गुना होता है। तो इसका एक कॉन्सेप्ट है, 1 सेकेंड में आपको सॉल्व हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं साधारण ब्याज की, सिंपल इंटरेस्ट है ना। सबसे पहले साधारण ब्याज की बात कर लेते हैं। देखो, इसमें आता क्वेश्चन कि देखो कोई धन 5% दर से कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। ऐसा प्रश्न आता है कि 5% कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन आता है ना। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को 2 तरीके से सॉल्व होता है। अब मैं दोनों तरीके बता देता हूँ, आपको जो अच्छा लगेगा ले। देखो, फर्स्ट तरीका दोस्तों होता है 3 गुना, है ना। तो n-1 अपान, अब यहाँ क्या ज्ञात करना है इसको, कितने समय, तो समय ज्ञात करना, तो समय लिख दीजिए। देखो, अब यहाँ देख क्या दे रखा, दर, तो दर लिख दीजिए, इनटू क्या हो जाएगा 100/1। तो एन कितना गुना है, 3 गुना, तो 3-1/दर कितनी, 5 × 100/1। 3 में से 1 घटाया कितना बच्चा, 2 बच्चा, 5, 5 × 10 = 20, 20 × 40 40 वर्ष, तो अपना आंसर हो जाता है। सेकंड तरीका देखो, एक तो फर्स्ट तरीका है ना गुना वाले में, एक और तरीका जो सेकंड तरीका मैं आपको जो शॉर्टकट ट्रिक बताएं। देखिए कि कोई धन, तो धन मान लीजिए आपके पास 1 रुपया है, आपके पास कितना है, 1 रुपया। मान लीजिए आपके पास मूलधन कितना रुपये, 1 रुपये। तो देखो, 1, अब वो कितना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, 1 से कितना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिला, 2 रुपीज़ मिला। ब्याज कितना मिला आपको, 2 रुपये मिला। अब आपको क्या निकालनी है, समय, समय बराबर क्या हो, तो ब्याज इंटू 100/ मूलधन, तो मूलधन कितना आपका, 1 रुपया, इंटू दर कितनी आपकी, 5%। ये और 5 से काटा, 5 × 10 = 20, 20 × 40, ये। तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, तो आपको कौन सा अच्छा लगता है उस तरीके से आप कर सकते हैं। दिख रहा है दोनों, दोनों दिख रहे हैं। अब यहाँ ये 3 गुना होगा, 4 गुना होगा, 5 गुना हो, 6 गुना होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना गुना हो उतना लिख दीजिए। अब यहाँ पे अगर दोस्तों ये समय अगर यहाँ दे देने, दर पूछे कितने प्रतिशत दर से, तो ये समय की जगह दर लिख दीजिए और ये संख्या यहाँ लिख दीजिए, है ना। जैसे पूछे वैसे हल कर लीजिए। आइए क्वेश्चन, अब दर ज्ञात करना बताते हैं। देखो, देखो, कोई धन, देखो अब इसमें क्या दिया, 10 वर्ष, 10 वर्ष में कितने प्रतिशत दर से दुगना हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे इसने दर पूछी अपने से, क्या पूछा इसने, दर पूछी है। दर कैसे ज्ञात करें, पहले उसमें समय पूछा था, अब इसमें दर पूछी है ना। तो कुछ नहीं, वही अपन ट्रिक लगाएंगे, फर्स्ट विधि है ना। अब इसने क्या पूछा, दर, तो देखो दर बराबर, दर प्रतिशत बराबर,
दर बराबर क्या होगा, यहाँ पे वही एन माइनस वन अपान, अब क्या दे रखा समय, तो समय लिख दो सो बट्टा एक। अब कितना दो गुना हो रहा, तो दो माइनस एक बट्टा समय कितना है 10 वर्ष इंटू सो बट्टा एक, दो में से एक गया तो कितना बच्चा एक, सिपर सिपर कट के बराबर कितना बच्चा 10, ये दर आ गई 10%, 10% इसकी दर आ गई। इसी तरह अगर ट्रिक से सोल्व करना चाहते हैं तो एक सेकंड में कैसे होगा, देखो आपको क्या पूछा दर, अब आपके पास क्या है, पहले तो मान लीजिए प्रिंसिपल एक रुपया है, मूलधन आपका कितना एक रुपया, एक से कितना हो रहा दो गुना, दो हो रहा, यानी यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिला एक रुपये का, रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज, तो दर बराबर ब्याज इंटू सो बट्टा मूलधन आपका एक रुपये था इंटू समय कितना 10 ईयर्स, सिपर कट गई बराबर 10% आप ब्याज आ गए, रेट आ गई, दर कितनी आ गई 10% आ गई, तो हुआ ना आसान दीदी। अब पैटर्न चेंज करेंगे, दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरे टाइप का। अब इसमें क्या होता है, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, फिर अपन चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेंगे, फिर अपन छमाही की बात करेंगे, तिमाही की बात करेंगे, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर वाले क्वेश्चन की बात करेंगे जिसमें 2 वर्ष हो 3 वर्ष हो, और चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। देखो इसमें क्या होगा, देखो कोई धन 5 वर्ष में तिगुना होता है, कितने वर्ष में नौ गुना होगा, 5 वर्ष में तिगुना हो कितने वर्ष में नौ गुना, 2 बार गुना हो रहा है इसमें, 2 बार। तो देखो एन वन माइनस वन अपान एन टू माइनस वन बराबर टी वन अपान टी टू, ये वाला फार्मूला लगेगा, एन वन माइनस वन अपान एन टू माइनस वन बराबर टी वन अपान टी टू। एन वन पहली बार गुना कितना, 3 गुना हो रहा, तो 3 माइनस 1 2 गुना हो रहा, यानी कि 9 गुना हो रहा। दूसरी बात 9 माइनस 1, और पहला समय कितना 5 वर्ष। अब दूसरा समय अपनों को ज्ञात करना है ना, दर एक निश्चित दर है, इसमें दर एक कॉन्सेप्ट है कि वो दर दोनों में एक जैसी है, 3 में से 1 गया तो कितना बचा 2, और 9 में से ये लिख देता हूँ मैं, 3 में से 1 गया तो 2 बचा, 9 में से 1 गया तो 8 बचा, 2 से काटा 2 चौक 8, अब 3 गुणा करें 5 चौक 20, तो T2 बराबर 20 वर्ष कितना आ गया 20 वर्ष आएगी, आई होप कि सुनने आ गया होगा, ठीक है। एन वन माइनस वन अपान एन टू माइनस वन और बराबर टी वन अपान टी टू, 5/T2 का स्क्वायर और 20 ईयर्स, आई होप कि सुनने आ गया होगा, 2 बार इसमें गुना हो रहा है। आइए एक और देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन, कोई धन 6 वर्ष में 8 गुना, तो कितने वर्ष में 22 गुना होगा, कितने वर्ष में वो 22 गुना होगा। अब ऐसे 2 बार गुना हो रहा है, एक बार तो यहाँ गुना हो रहा, एक बार यहाँ हो रहा, तो देखो वही फार्मूला एन वन माइनस वन अपान एन टू माइनस वन बराबर टी वन अपान टी टू, पहले 8 गुना हो रहा, 8 माइनस 1
दूसरी बार 22 गुना हो रहा, तो 22 माइनस 1 बराबर पहले 6 वर्ष है बटा T2, 8 में से गया तो 7 बचा, 22 में दे गया तो 21 बचा, 7 एक 7 21, 3 छंग 18, T2 बराबर 18 वर्ष, T2 बराबर कितना आ गया दोस्तों, 18 वर्ष, आयोग के सामने आ गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज की ओर। इस तरह क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज में आया तो कैसे सोल्व करेंगे, देखो अब कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 2 गुना, 4 वर्ष में 2 गुना तो कितने वर्ष में 16 गुना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे चक्रवृद्धि दिया, पहले उसमें कोई धन चक्रवृद्धि नहीं लिखा तो मतलब वो साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि नहीं लिखा मतलब साधारण ब्याज, अब इसने चक्रवृद्धि लिख दिया मतलब ये अभी है चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखो वेरी सिंपल है, 4 वर्ष में 2 गुना, तो 4 वर्ष में कितना हो रहा, 2 गुना हो रहा, बहुत इजी ट्रिक इसकी, कितने वर्ष में 16 गुना हो रहा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 की पावर बनाओ तो कितनी पावर बनेगी, 4, 4 पावर से 16 बन रहा है ना, 2 की 4 घात से 16 बन रहा है, इसी 4 का गुणा 2 4 से कर दो तो 4 चौक 16, 16 वर्ष अपना राइट आंसर हो जाएगा, 16 वर्ष में वो 16 गुना हो जाएगा, आयोग के समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देखो एक क्वेश्चन और कर लेते, चक्रवृद्धि ब्याज है ना, पांच वर्ष में 3 गुना तो कितने वर्ष में 27 गुना हो जाएगा, 5 और 3 गुना तो कितने वर्ष में 27 गुना हो जाएगा। देखो तो देखो 5 वर्ष में कितना हो रहा, 3 गुना हो रहा, कितने वर्ष में 27 गुना होगा। ठीक है, इसको 3 से पावर बनाओ, 3 की 3 पावर 27 बन रहा, इसी 3 का गुणा 5 से कर दो, 3 और 5 15 वर्ष, 3 और 5 15 वर्ष, तो एक सेकंड में क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब क्वेश्चन सोल्व करने वाले दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज वो साधारण ब्याज के अंतर वाला, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर वाला। देखो यहां पे चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज अंतर वाले क्वेश्चन, और जब समय कितना दिया है 2 वर्ष, जब समय इसने 2 वर्ष दिया हो तो कैसे सोल्व करेंगे, 3 वर्ष दोगा तो उसका भी अलग क्वेश्चन होगा। तो इसका फार्मूला देखिए, डी इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर अपन 100 का स्क्वायर, इधर नहीं होगा, डी स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर बटा 100 का स्क्वायर, डी एन डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना दिया इसने 4, कि 4 रुपये अंतर है, और पी यानी मूलधन तो ज्ञात करना है,
इंटू दर दे रहा कि इसने 4%, तो 4 × 4 बट्टा 100 × 100, 4 से ये 4 कट गया और 4 से यहाँ आ गया 25। तो P इज इक्वल टू 2500, 25 का 100 में गुणा करें 2500। आयुब की सुन में आगे होगा, इस तरह क्वेश्चन अगला एक और देख लीजिए। अब अंतर 620 रुपये हो रहा है, देखो D इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर बटा 100 का स्क्वायर। अब यहाँ समय 3 वर्ष दिया है इसने, कितने दिया, 3 वर्ष दिया, जो समय 3 वर्ष हो तो यहाँ 300 × r/100 ये हो जाएगा, जब समय 3 वर्ष, समय जब समय 3 वर्ष देगा तब इस सूत्र का उपयोग करेंगे। 2 वर्ष में वही सूत्र है, 2 वर्ष में यहाँ तक ही सूत्र है और 3 वर्ष में 300 + r/100 इतना और बढ़ा देना, ठीक। तो इसने दिया है, डिफरेंस कितना दिया, 620 दिया बराबर पी तो ज्ञात करना, इंटू दर कितनी दी इसने 10%, तो 10 × 10 और यहाँ पर हो जाएगा 100 × 100 और 300 में 10 जोड़ेंगे तो 310/100 हो जाएगा। एक दो सिपर से ये दो सिपर कट गई और ये वाली सिपर से ये वाली सिपर कट गई, 31 × 62 = 20, ठीक। तो इसके बटे एक पी बराबर इधर आ जाएगा, पी बराबर आ जाएगा 20 तो है ही सही, और कितने 1, 2 और 1, 3 सिपर लग जाएगी, 1, 2, 3 सिपर, यानी कि 20,000 रुपये मूलधन कितना आ जाएगा, 20,000 रुपये आ जाएगा। आयुब के सुनने आ गया हो, समझ में आ गया होगा। तो ये तो दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज वाला क्वेश्चन, साधारण ब्याज वाला अंतर वाला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन वो लेते हैं साधारण ब्याज में, देखो इसमें क्या कह रहा है, 5 वर्ष में 520 कोई धन, 5 वर्ष में कितना हो रहा है, 520 हो रहा है, तो 7 वर्ष में वो हो रहा है 568 रुपये और 7 वर्ष में कितना हो रहा है, 568 रुपये हो रहा है, ठीक है। तो आज इसके मूलधन और दर ज्ञात कीजिए, दो चीज़ पूछी इसने आपसे, क्या पूछा, एक तो मूलधन और दूसरी दर, बराबर दो चीज़ पूछी इसने, दो चीज़ पूछी है। तो देखो अब 5 वर्ष में इतना रुपये, 7 वर्ष में, तो दोनों यहाँ डिफरेंस निकालेंगे, कितना अंतर आया, 2 वर्ष का अंतर कितना आया, 2 वर्ष का, 2 वर्ष का ब्याज, इसको घटाएंगे 8 × 8 = 6 / 2 गए तो 4 × 5 = 48, जब 2 वर्ष का 48 है तो एक वर्ष का 2 × 2 = 4 × 2 = 8, 1 वर्ष का ब्याज कितना, 24 रुपये आ गया, 1 वर्ष का 24 रुपये। अब यहाँ निकालने अपने को 5 वर्ष के लिए, तो 5 वर्ष के निकालेंगे तो 24 × 5 = 120 रुपये हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब आपको निकालना मूलधन, ये आपके पास ब्याज आ गया और ये है मिश्रधन, तो मूलधन बराबर 520 माइनस
120, तो 400 रुपये आपका मूलधन आ गया। मूलधन कितना आ गया आपका? 400 रुपये आ गया। अब निकालने आपको दर, अब निकालेंगे अपन दर। तो दर कैसे निकाले दोस्त, देखिए दर बराबर ब्याज, ब्याज कितना 120 इंटू 100 बटा मूलधन कितना आ गया 400, समय कितना 5, एक सिपर से एक सिपर कट गई, दूसरी से दूसरी कट गई, 5 से 5 दूनी 10, 2 से काटा 2 दूनी 4, 2 से काटा 2 चंग, यानी कि 6% उसकी दर आ गई। तो दर कितनी आ गई उसकी? 6%। आई होप कि समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना भूले। थैंक यू दोस्तों, बाय।